राम राम सम्यक प्रिया, मैं हूँ मयंक और आपका स्वागत है आपके फेवरेट चैनल ब्रो सेस रिएक्शन पे। सो गाइस, आज हम रिएक्ट करने वाले हैं जनगण मन मूवी एंथम टीजर पे। तो पहले ये टीजर देख लेते हैं, उसके बाद डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ഈ കഥ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഷാരസും ബിജോയും എന്നോട് പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട്, ഇതൊരു മലയാളത്തിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന ഒരു ഒരു ഇന്ത്യൻ സിനിമ, ഒരു നാഷണൽ സിനിമ പോലെ ആയിരിക്കണം ഈ സിനിമ എന്നുള്ളത്. ബംഗാളി ലിറിക്സ് വേണം അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു തോട്ട്. ദാറ്റ് വാസ് ജേക്സിന്റെ ബ്രില്യന്റ് ഐഡിയ ആണ്. കാര്യം ജനഗണമന എന്ന് തന്നെയാണ് ആ സോങ്ങിന്റെ പേര്. ഒരു ഹൈ ഒക്ടെയ്ൻ, ഒരു എനർജി ഉള്ള ഒരു ട്രാക്കാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഒരു ജനഗണമന അതൊരു സൗണ്ടിങ് വരണം, ലൈക്ക് റെഫറൻസസ് പലതും ഞങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. അതിനൊരു ഒരു ഇന്ത്യൻ അപ്പീൽ വേണം മ്യൂസിക്കിനും എല്ലാത്തിനും. ചെയ്തു വന്നപ്പോൾ ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഏരിയ, അത് നമ്മുടെ തീമാണ്. മലയാളത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒരു ഇന്ത്യൻ സിനിമയുടെ പ്രതീതി ഉണ്ടാക്കാൻ, ദാറ്റ് ഇതിലെ മ്യൂസിക് സ്കേപ്പിന് ഒരു നാഷണൽ അപ്പീൽ ഉണ്ടാകണം എന്നുള്ളത്. ആന്തത്തെ പറ്റി പറയുന്നത് ദി ആന്തം, സിനിമ അപ്പീൽ ചെയ്യുന്ന കോർ കോൺസെപ്റ്റിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പ് പാടുന്ന ഒരു പാട്ടാണ്. അത് ഉടനെ തന്നെ നമ്മൾ റിലീസ് ചെയ്യും. ഞങ്ങളുടെ എഫേർട്ടാണ് ഈ ജനഗണമന ആന്തത്തിൽ കാണുന്നത്. और ये सॉन्ग मतलब अभी इसके बीजीएम इसमें मतलब पीछे जो सुनाई दे रहा था वो सुन के मतलब मुझे लग रहा है ये सॉन्ग धमाकेदार होने वाला और ये नेशनल एंथम. हाँ, क्योंकि जिस तरह इस वीडियो में बताया है कि ये एक म्यूजिकल मूवी, मतलब ये जो सॉन्ग है इसको ऑफिशियल एंथम बना दिया है इस मूवी का. एक मूवी का ऑफिशियल एंथम मतलब बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि मूवी का नाम ही जनगण मन है और ये वर्ड्स ऐसे हैं जो एक अपील वैसे ही क्रिएट कर देते हैं कि हाँ भी जनगण मन, क्योंकि ये यूथ मतलब हमारे देश का एक एंथम है. तो उसी के हिसाब से इन्होंने इसे भी बनाया है और इसमें जो अपील है वो सब तक पहुंचती है. वैसे मलयालम मूवीज इसमें, वैसे इन्होंने मलयालम में ये सारा बोला है, बट फिर भी हमने समझने की कोशिश की इन्होंने जो बोला कि ये मतलब इतना अच्छे से मलयालम मूवीज को एक नई हाइप पे लेके जाना चाह रहे हैं. क्योंकि जो जो कोर होता है ना वो अगर कोई समझ ले मूवी का तो वो मूवी अपने आप से अपनी रिच, अपने जो भी दर्शक बोल सकते हैं उन तक पहुंचा, हाँ ऑडियंस तक पहुंच ही जाती है. एक कोर इन्होंने उस चीज को समझ लिया है. बहुत सही काम कर रहे हैं, बहुत बहुत अच्छे से. क्योंकि मलयालम मूवीज भी इतने अच्छे बीजीएम, इतनी अच्छी थीम, इतनी अच्छी स्टोरीज और इतने अच्छे लेवल पे बन रही है ना, तो ये देख के काफी अच्छा लगता है. और मलयालम मूवी मतलब पृथ्वीराज सर की आप कौन से भी मूवी देख लो, मतलब बहुत यूनिक स्टोरी होती है उनकी. स्टोरीज यूनिक होती है और उनकी एक्टिंग वो तो मतलब कमाल. इसका हमने पहले एक और वीडियो पे रिएक्शन किया था और उसमें इनकी जो एक्टिंग देखा, टीजर पे किया था हमने, मतलब उनकी एक्टिंग इतनी अच्छी एक्टिंग है उनकी. और मतलब और क्या बोले हम, एक अलग ही लेवल पे इंडियन सिनेमा में अपने सिनेमा की पहचान रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मलयालम इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. तो काफी अच्छा है, बहुत अच्छा लगा ये वीडियो. अब इस मतलब सॉन्ग का वेट रहेगा, इस एंथम का वेट रहेगा हमें. और इस एंथम क्या, इस पूरी मूवी के म्यूजिक कंपोज किया है जैक्स बिजोय ने, तो उन्होंने भी बहुत ही ज्यादा अच्छा काम किया है. मतलब तभी तो ये एंथम इतना सुपर डुपर रेट होगा. बीजीएम तो इसका बहुत ही कड़क है. हमें ये बहुत अच्छा लगा. आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. और इस वीडियो का ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं. सो गाइस, अभी करते हैं इस वीडियो को एंड. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा. पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, सजेशन देना, अपना सपोर्ट इस चैनल पे बनाए रखना. सो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय बाय.